नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे पीएम किसान निधि के बारे में। किसानों को खेती के कार्य में किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसको ध्यान में रखते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन अब इसमें कई तरह की गड़बड़ियाँ सामने आने लगी है। ऐसे में अब केंद्र सरकार ने इस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्टर्ड 12.48 करोड़ से भी अधिक किसानों में से केवल 10.22 करोड़ लाभार्थियों को ही दिसंबर मार्च की किस्त मिल पाई है। अभी भी 2 करोड़ से अधिक किसानों को 2000 रुपये का इंतजार है। दिसंबर मार्च की किस्त के लिए 10.70 करोड़ से अधिक किसानों को FTO जनरेट हुआ था, जिसमें से 25 लाख से अधिक किसानों का पेमेंट अभी भी फंसा हुआ है। दरअसल अपात्रों की संख्या अधिक होने से बहुत से किसानों का पेमेंट रोक दिया गया है। इधर कृषि मंत्री ने पिछले दिनों संसद भवन में बताया कि देश के 42 लाख से अधिक राशि प्राप्त करने वाले लोगों ने गलत तरीके से पीएम किसान के तहत 2000 रुपये की किस्त जो है वो प्राप्त किए हैं, और वो राशि जो है 2900 करोड़ रुपये तक पहुँच गई है, और यह सरकार का चूना लगाया गया है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का फायदा उठाने वाले अपात्रों की अब खैर नहीं, चाहे वह पति पत्नी दोनों स्कीम का लाभ ले रहे हों या फिर टैक्स पेयर पेंशनधारी, सभी अपात्रों से वसूली होगी, उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में ऐसे किसानों से वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पिछले साल मैनपुरी जिले में शासन ने 9219 अपात्र किसानों को सूची जो है कृषि विभाग को भेजी है। वहीं अगर हम झारखंड, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन अपात्र किसानों को नोटिस जारी कर पीएम किसान का पैसा जमा करने का आदेश जो है दे दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसा लेने वाले अपात्र किसानों को उप कृषि निदेशालय कार्यालय में नगद जमा करनी होगी। धनराशि जमा करने के बाद उन्हें जो है रसीद दी जाएगी। बाद में विभाग शासन के खाते में ये धनराशि जमा कर ऑनलाइन पोर्टल पर फीडिंग के साथ साथ किसानों का डाटा डिलीट करवाएगी। पीएम किसान का पात्र नहीं होने वाले के बावजूद लाभ लेने के बाद अपात्रों ये भूल गए हैं कि उनका नाम आधार व पैन से भी लिंक है। ऐसे में उनकी आमदनी से लेकर अन्य विवरण का पता लगातार सरकार के लिए आसान हो जाता है। झारखंड में तो अपात्र किसानों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी किया जा रहा है। ऐसे में अब इस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या किसी पति या फिर पत्नी में से किसी एक के पास सरकारी नौकरी है तो उसमें से कोई एक इस सुविधा का लाभ ले सकता है। इसके जवाब में कहा गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम किसान परिवार के लिए है। एक परिवार का आशय पति पत्नी और 2 नाबालिग बच्चों से है। नियमों के मुताबिक पीएम किसान का पैसा किसान परिवार को मिलता है, यानी कि परिवार के किसी एक सदस्य के खाते में 6000 रुपये सालाना, यानी कि 2000 की 3 किस्त डायरेक्ट उनके खाते में डाली जाती है। अक्सर यह प्रश्न उठता है कि क्या पति पत्नी दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं, तो इसका उत्तर है नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके सरकार रिकवरी करेगी। आइए अब जान लेते हैं कि किन्हें जो है नहीं मिलेगी पीएम सम्मान निधि का लाभ। अगर वो ले रहे हैं तो सरकार उन पर एक्शन भी करेगी। अगर आपके परिवार में कोई टैक्स पेयर है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हमने आपको पहले ही बताया है कि परिवार का मतलब होता है पति पत्नी और अवयस्क बच्चे। जो लोग खेती की ज़मीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे कार्यों के लिए कर रहे हैं, वह भी जो है इस सम्मान निधि का लाभ नहीं लेंगे। बहुत से किसान दूसरों के खेतों पर किसानी का काम करते हैं लेकिन खेत के मालिक नहीं होते हैं, तो वो भी जो है इस सम्मान निधि का लाभ नहीं उठा सकते हैं। यदि कोई किसान खेती कर रहा है लेकिन खेत उसके नाम नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर खेत उनके पिता या फिर दादा के नाम पर है तब भी वे इस योजना का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, यानी कि आपको उस ज़मीन का मोटेशन कराना होगा और उसके बाद तब जो है यह ज़मीन आपके नाम से होगी और उसके बाद इस पूरी राशि का लाभ जो है उठा सकते हैं। अगर कोई खेती की ज़मीन का मालिक है लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या फिर रिटायर हो चुका है, वह भी जो है इस पूरी राशि का लाभ जो है नहीं उठा सकता है। मौजूदा या फिर पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री, उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ जो है नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति जो खेत का मालिक है, साथ ही साथ 10000 रुपये से अधिक का जो है उन्हें पेंशन अगर मिलता है तो वो भी जो है इस सम्मान निधि का लाभ
नहीं उठा सकते हैं। ऐसे में भारत सरकार लगातार किसानों की मदद की बात करती रही है और उनके खेती में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो इसको लेकर जो है यह पीएम किसान सम्मान निधि दी है, जिससे कि किसानों को खर्च में जो है किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अब जो है कई तरह के ऐसे धोखाधड़ी के मामले सामने आने लगे, उसके बाद से अब केंद्र सरकार ने जो है एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।